झारखंड के जिला सिमडेगा के जलडेगा प्रखंड स्थित परबा पंचायत अंतर्गत डेंगूर पानी एवं पपरा पानी गांव में भटके हुए हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार हाथी की संख्या एक है और वह काफी उग्र अवस्था में है। वहीं गांव में आते ही तरसिला किसपोटा, अंशलेन धनवार, सुषमा किसपोटा, भिखनी किसपोटा एवं दालू किसपोटा के घर को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग के उप परिषद पदाधिकारी नीतीश कुमार एवं हेमंत कुमार ने कोलेबिरा से टीम मंगवाकर अविलंब हाथी प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया एवं ग्रामीणों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और कहा कि किसी भी परिस्थिति में हाथी को ना छेड़े एवं उससे दूर रहें और किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का प्रयोग ना करें, इससे हाथी और उग्र हो जाएगा। वहीं श्री कुमार ने कहा कि हाथी ने जिनका घर तोड़ा है उन्हें जल्द ही विभाग की तरफ से क्षतिपूर्ति दिलाया जाएगा। अखंड भारत न्यूज के लिए धनुर्जय सिंह के साथ अक्षय शुक्ला की रिपोर्ट, सिमडेगा का।